आप इस वीडियो में देख चुके हो किस तरीके से आप अपना AWS का फ्री ट्रायल अकाउंट बनाओगे एंड अपने फ्री ट्रायल अकाउंट को कैसे सिक्योर रखोगे, आप इस वीडियो को देखकर सीख चुके हो। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी आखिर क्या चीज़ है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप AWS का फ्री ट्रायल अकाउंट से हायर कॉन्फ़िगरेशन का वर्चुअल मशीन कैसे बनाएंगे, जिससे आपका अकाउंट बहुत जल्द सस्पेंड ना हो, आपका अकाउंट काफ़ी लंबे वक्त तक चले लाइक 1 मंथ। वो सारा चीज़ प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वही अकाउंट है जो मैंने उस वीडियो में बनाकर दिखाया था 28 जुलाई को, और आज है 30 जुलाई। आज मैं इसी अकाउंट से आपको बनाकर दिखाऊंगा किस तरीके से आपको हायर कॉन्फ़िगरेशन का वर्चुअल मशीन बनाना है। सबसे पहले आप AWS कंसोल पेज में आ जाओगे, इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे साइन इन इनटू द कंसोल। फिर अगर आपके सामने ये पेज आते हैं तो आप सीधा यहाँ पर क्लिक करोगे साइन इन यूजिंग रूट यूज़र ईमेल। फिर यहाँ पर आकर अपना ईमेल एड्रेस कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट। सीधा यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे पासवर्ड, फिर इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे साइन इन। इसके बाद अगर आपके सामने ये पेज आ जाए तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे स्किप फॉर नाउ। तो आप कुछ इस तरीके से AWS का कंसोल होम पेज में आ जाओगे। सबसे पहले आप अपने जीमेल आईडी में चेक कर लोगे आप किस लोकेशन को वैलिडेट किए हो। यहाँ पर आओगे तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर लोकेशन वैलिडेट दिखेगा। फिर यहाँ पर आकर चेंज कर लोगे अपना लोकेशन, मेरा क्या है मुंबई, आपको भी चेंज कर लेना है। अगर आप चेंज नहीं करोगे, इनमें से किसी भी लोकेशन में बनाओगे, तो आपका अकाउंट विद इन मिनट हो जाएंगे सस्पेंड। मानकर चलो कि आपने मुंबई लोकेशन में अपना वर्चुअल मशीन बना लिया, अब आपको चाहिए इनमें से किसी भी लोकेशन में, तो आप क्या करेंगे। पहले आप इनमें से किसी भी लोकेशन में अपना एक 1 GB रैम वाला यानी कि फ्री वाला VPS बनाओगे। फिर उसके बाद आधे घंटे या फिर 1 घंटे के बाद आपका लोकेशन हो जाएगा वैलिडेट। फिर आप उस VPS को डिलीट करके हायर कॉन्फ़िगरेशन का वर्चुअल मशीन बनाओगे सेम लोकेशन में, तब जाकर आपका अकाउंट चलेंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट बनाते हैं हायर कॉन्फ़िगरेशन का वर्चुअल मशीन, तो आपका अकाउंट हो जाएंगे विद इन मिनट सस्पेंड। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना अकाउंट को अपग्रेड करना है हायर कॉन्फ़िगरेशन का वर्चुअल मशीन बनाने के लिए। आप इस फ्री ट्रायल अकाउंट से हायर कॉन्फ़िगरेशन का डायरेक्ट वर्चुअल मशीन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अब सिस्टम बदल चुका है। पहले ये फीचर अवेलेबल था लेकिन अब नहीं है। अब आपको अपना अकाउंट अपग्रेड करना होगा, तब जाकर अपना वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे अपग्रेडिंग योर प्लान। फिर यहाँ पर आकर इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे अपग्रेड प्लान। तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी आपका अकाउंट सक्सेसफुली हो जाएंगे अपग्रेड। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे कंटिन्यू। फिर आप कुछ इस तरीके से आ जाओगे AWS का कंसोल होम पेज में। अब आपको यहाँ पर फिर से अपना लोकेशन चेंज कर लेना है, जिस भी लोकेशन का आपका अकाउंट वैलिडेट किया हुआ है, आपको उसी लोकेशन में अपना हायर कॉन्फ़िगरेशन का वर्चुअल मशीन बनाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप चाहो तो पहले 1 GB रैम वाला VPS को डिलीट कर सकती हो या फिर नहीं भी, क्योंकि फ्री ट्रायल अकाउंट से आप मैक्सिमम 8 करोड़ वाला वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। अगर आपको 8 करोड़ वाला वर्चुअल मशीन बनाना है तो आप पहले 1 GB रैम वाला VPS को डिलीट कर देंगे। डिलीट कैसे करना है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे EC2 इंस्टेंस, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इसके बाद फिर यहाँ पर क्लिक करोगे EC2, इसके बाद फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे व्यू डैशबोर्ड। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका इंस्टेंस रनिंग दिख जाएगा, जो मैंने उस समय बनाया था वही इंस्टेंस है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर पहला फ्री वाला RDP को कर लेना डिलीट, अगर आपको 8 करोड़ वाला वर्चुअल मशीन बनाना है। डिलीट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे इंस्टेंस स्टेट, इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे टर्मिनेट, फिर इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे टर्मिनेट। तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी आपका वर्चुअल मशीन हो जाएंगे डिलीट। इसके बाद बस आपको वेट करना है यहाँ पर 5 से 10 मिनट। अब कुछ इस तरीके से आपका वर्चुअल मशीन हो चुका है डिलीट। अब आप रेडी हो हायर कॉन्फ़िगरेशन का वर्चुअल मशीन बनाने के लिए। आप यहाँ पर क्लिक करोगे लॉन्च इंस्टेंस, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे EC2। फिर आपके सामने यहाँ पर ये पेज आ जाएगा और आप यहाँ पर क्लिक करोगे लॉन्च इंस्टेंस। इसके बाद आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको चेक कर लेना है कि आपका लोकेशन राइट होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका लोकेशन रॉन्ग आया, मान के चलो कि आपने इस लोकेशन में अपना लोकेशन वैलिडेट कराया 1 GB रैम वाला वर्चुअल मशीन बना के, और आपने इसमें अपना वर्चुअल मशीन बना लिया, तो आपका अकाउंट हो जाएंगे विद इन मिनट सस्पेंड। इसलिए आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका कौन सा लोकेशन है। हालांकि एक बार सेट करने के बाद ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होते हैं, लेकिन आपको
लोकेशन का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि आपका अकाउंट डिसेबल ना हो। इसके बाद आप यहाँ पर अपना वेब सर्वर का नेम टाइप करोगे, जो भी आपको अपना वेब सर्वर का नेम रखना है। एग्जाम्पल मैं रखता हूँ डेमो। फिर यहाँ पर आकर मैं ले लेता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़। यहाँ पर ले लेते हैं हम सर्वर कौन सा, 2022 वाला। ध्यान रहे हमें बेस वाला वर्जन लेना है, अगर हम कोर वाला लेते हैं तो हमें ग्राफिक यूआई नहीं मिलेगा, इसलिए हमें यहाँ पर बेस वाला ही लेना है। इसे कर लेंगे हम सेलेक्ट। इसके बाद करेंगे नीचे स्क्रॉल, फिर यहाँ पर आकर अपना वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लेंगे। आपको किस टाइप का चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, एग्जाम्पल यहाँ पर है 8 GB, यानी कि आपका 8 GB रैम और 2 virtual CPUs, यानी कि 2 कोर मिलेगा आपका इस सेट में। इसी तरीके से आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ढेरों प्रीसेट। ध्यान रहे आप मैक्सिमम 8 virtual CPUs ही बना सकते हो, यहाँ पर 7 2 है, आप इसको नहीं बना सकते हैं, आप मैक्सिमम 8 तक ही जा सकते हैं। मेरे पास एक वर्चुअल मशीन का सेट ऑलरेडी है जिसका स्पीड अच्छा खासा है, जो कि 16 GB रैम पर बेस्ड है। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ उसको M6IN। तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी आपका वर्चुअल मशीन का सेट आ जाएगा। मैं कर लेता हूँ इसको सेलेक्ट, 16 GB रैम, 4 virtual CPUs। इसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू की पेयर में क्लिक करना है, अपना की पेयर रेडी करना है। यहाँ पर हम रख देंगे कुछ भी नेम। इसके बाद एज इट इज़ आप इसमें सेम रखोगे, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सीधा यहाँ पर क्लिक करोगे क्रिएट की पेयर, फिर आपका यहाँ पर की पेयर हो जाएगा डाउनलोड। ये कब काम आएगा, जब आप अपने वर्चुअल मशीन का पासवर्ड को निकालोगे तब जाकर आपको की पेयर से ही पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर रहेगा आपका की पेयर सेलेक्ट। इसके बाद आप चाहो तो इसको अलाउ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। फिर यहाँ पर आकर अपना स्टोरेज सेलेक्ट कर लेंगे, आपके वर्चुअल मशीन में कितना स्टोरेज होना चाहिए। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर 99 GB। इसके बाद आप यहाँ पर चूज़ कर लोगे आपको किस टाइप का चाहिए। मैं यहाँ पर लेता हूँ GP3, ये सबसे फास्ट है। फिर यहाँ पर हो चुका है सारा स्टेप कम्प्लीट। सीधा हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। इसके बाद आपके केस में भी कुछ इस तरीके से आपका वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगा। सीधा आप यहाँ पर क्लिक करोगे और आपको यहाँ पर अपना वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर वेट करना है 5 मिनट, फिर आपको अपना वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करना है। मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, आपका अकाउंट 30 डेज कैसे चलेगा हायर कॉन्फ़िगरेशन वाला VPS बनाने पर। अगर आप अपने अकाउंट से 1 तारीख से वर्चुअल मशीन बनाना स्टार्ट करते हैं, मान के चलिए आपने अपना वर्चुअल मशीन 1 तारीख को बना लिया और ये कंटिन्यू चलते हैं 30 तारीख तक, तब जाकर 30 तारीख के बाद आपका बिल जनरेट होगा। उसके बाद आप तो बिल पेमेंट करने वाले नहीं हो, फिर आपका अकाउंट 5 या 6 तारीख को हो जाएगा डिसेबल। तो आपका प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलेगा। या फिर अगर आप अपना 15 तारीख से वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो फिर भी आपके इस केस में आपका अकाउंट 5 से 6 तारीख तक हो जाएगा डिसेबल, क्योंकि 1 तारीख को हो जाएगा बिल जनरेट, क्योंकि आप बिल तो पे करने वाले नहीं हो। तो इस तरीके से आपका अकाउंट चलेंगे। तो अब हमारा वर्चुअल मशीन बनकर रेडी हो चुका है, इसे करेंगे हम कॉपी कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे कनेक्ट। इसके बाद हमें यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे कनेक्ट में। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे RDP क्लाइंट, इसे करेंगे हम कॉपी और यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट। इसके बाद चाहिए मुझे पासवर्ड, पासवर्ड के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट पासवर्ड। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे अपलोड प्राइवेट की फाइल। ये कौन सा फाइल है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ किस तरीके से आपको अपना की पेयर रेडी करना है। तो इसको कर लेंगे हम सेलेक्ट, देन क्लिक करेंगे ओपन। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे डिक्रिप्ट पासवर्ड। तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी आपका पासवर्ड मिल जाएगा वर्चुअल मशीन का। फिर यहाँ पर आकर इसे कॉपी करने के बाद इसे कर देंगे हम पेस्ट और यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके। फिर आप चाहो तो यहाँ पर इसे चेकमार्क कर सकते हो या फिर नहीं, सीधा यहाँ पर क्लिक करेंगे यस। तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी आपका वर्चुअल मशीन फर्स्ट टाइम हो जाएगा कनेक्ट। आपको यहाँ पर बस वेट करना है 1 से 2 मिनट, इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे यस में। फिर कुछ इस तरीके से सक्सेसफुली अब हो चुका है यह कनेक्ट। यहाँ पर दिख जाएगा आपको मेमोरी कितना है आपका वर्चुअल मशीन में, साथ में यहाँ पर दिख जाएगा लोकेशन कौन सा वेरिएंट है, प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, इंस्टेंस आईडी, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अपने वर्चुअल मशीन का स्पेसिफिकेशन चेक करने के लिए सीधा आप यहाँ पर आकर सर्च करोगे टास्क मैनेजर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करोगे मोर डिटेल्स, फिर यहाँ पर क्लिक करोगे परफॉर्मेंस। इसके बाद यहाँ पर दिख जाएगा आपको अपने वर्चुअल मशीन का CPU कितना है, इसका क्लॉक स्पीड। यहाँ पर दिख जाएगा आपको मेमोरी, कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा अपने वर्चुअल मशीन का आपको इन्फॉर्मेशन। इसके बाद अगर आपको नेट स्पीड टेस्ट करना है तो कैसे टेस्ट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र कर लेंगे ओपन, यहाँ पर क्लिक करोगे। फिर इसके बाद अपने हिसाब से इसे कर लेंगे सेट, आपको जिस भी तरीके से इसे करना है सेट अपने हिसाब से कर लेंगे सेट। फिर यहाँ पर आकर
सर्च करोगे नेट स्पीड टेस्ट और लास्ट में लगाओगे गूगल फाइबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेट स्पीड टेस्ट का रिजल्ट बहुत ही बेहतर देखने को मिलते हैं। फिर हम इसे कर लेंगे ओपन। इसके बाद आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे और फिर यहाँ पर आपका रहेगा टाटा पले फाइबर या फिर जो भी रहे, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है भारतीय एयरटेल और सीधा यहाँ पर क्लिक करेंगे गो। यहाँ पर दिख जाएगा इसका पिंग, जिटर एंड यहाँ पर आ जाएगा इसका डाउनलोड स्पीड जो कि 3.5 GPS से बहुत ज़्यादा है, 4 GPS के आसपास है और यहाँ पर अभी हमारा नेट स्पीड 4 GPS प्लस जा चुका है। इसके बाद यहाँ पर दिख जाएगा हमें अपना अपलोड स्पीड जो कि बहुत ही हाई स्पीड है। साथ में यहाँ पर दिख जाएगा Amazon और यहाँ पर रहेगा हमारा VPS का IP एड्रेस। तो कुछ इस तरीके से आप अपने वर्चुअल मशीन का नेट स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने वर्चुअल मशीन में कुछ भी इंस्टॉल करना है तो आप यहां से डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जिस भी तरीके से इसे यूज़ करना है। फिलहाल हमारा वर्चुअल मशीन बनकर रेडी हो चुका है, अब मैं इसे इस्तेमाल करूंगा काफ़ी लंबे वक्त तक जब तक मुझे इसका रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद आप चाहो तो इसे डिलीट कर सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरीके से इसका यूज़ करना चाहते हैं। साथ में अकाउंट को और भी लंबा चलाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे ही आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप AWS का कंसोल पेज में आकर यहाँ से अपना वर्चुअल मशीन को कर देंगे स्टॉप। यहाँ पर क्लिक करोगे स्टॉप इंस्टेंस, इसके बाद फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टॉप। तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी आपका वर्चुअल मशीन हो जाएंगे शट डाउन। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए आपको बस इसे करना है रीस्टार्ट और फिर आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ध्यान रहे, आप अगर इसे स्टॉप और रीस्टार्ट करते हैं तो आपका यहाँ पर पब्लिक IP एड्रेस चेंज हो जाएगा। साथ में आपको मैं दिखा देता हूँ अपना ईमेल। यहाँ पर किसी भी प्रकार का होल्ड एंड रिव्यू वाला मेल नहीं आया है और ना ही आपके केस में आएगा अगर आप कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में बस यही कहूँगा आपसे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे वर्चुअल कार्ड मेथड को बाय कर सकते हैं, जिससे आप मल्टीपल फ्री ट्रायल अकाउंट बनाएंगे और फिर फ्री VPS का आनंद ले सकते हैं। वर्चुअल कार्ड मेथड बाय करने के लिए आप यहाँ पर आकर मेरे चैनल का नेम सर्च करोगे बिल्कुल कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पर मेरा वेबसाइट दिख जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और मेथड्स। इसके बाद फिर आप इस मेथड को कर लोगे सेलेक्ट, फिर आप कर लोगे इस मेथड को बाई। इसके बाद आप खुद से अपना फ्री का वर्चुअल कार्ड बना सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट और ये वर्चुअल कार्ड आपका यहाँ पर फ्री ट्रायल के लिए भी एक्सेप्ट होगा, जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखाया फर्स्ट पार्ट में उसी तरीके से। इसके अलावा लास्ट में यही कहूँगा, जो लोग स्पेशली IRCTC वाले हैं वो लोग इसका VPS इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने बुकिंग के लिए तो आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका IP ब्लॉक है। अगर आपको चाहिए VPS स्पेशली इस तरह का काम के लिए या फिर किसी भी काम के लिए तो आप मुझसे WhatsApp में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको चाहिए डायनेमिक IP या रोटेटिंग IP जिसे आप ट्रेवल वगैरह का काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको वो चीज़ चाहिए तो आप मुझसे WhatsApp में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको वो सारा चीज़ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।